हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत है मीनाज टेरेस गार्डन में। चलिए, आज हम लोग बहुत दिन बाद गार्डन में मिल रहे हैं, क्योंकि बीच में गर्मी बहुत हो गई थी तो पुराने पौधे ही सूख रहे थे, नया कुछ लगाया नहीं। अभी हमने एक हफ्ता पहले एक ये अल्मांडा का प्लांट लिया था नर्सरी से, लेकिन इसको हम लगा नहीं रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो नीचे ही हमने रखा हुआ था इसको छाया में। अब कल से बारिश हुई है, मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया है, तो मैंने सोचा कि अब इसका ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए। ये अल्मांडा का फूल बहुत ही खूबसूरत होता है और इसकी बेल फैलती है और गुच्छे में फूल आता है पीले रंग का। और अभी भी इसमें देखिए ये कलियां तैयार हैं गुच्छे में। इनको हम ऐसे निकालेंगे छोटे गमले से, छोटे में तो ये बेल काफ़ी फैलना है तो सर्वाइव नहीं करेगा, छोटा ही रह जाएगा, फूल भी बहुत कम आएंगे। इसलिए हम ये देखिए 14 इंच के गमले में इनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अब इसको निकालेंगे इस तरह से, इसका रूट बॉल डिस्टर्ब ना हो, लेकिन इसकी जड़ जो है काफ़ी इसकी मिट्टी हमने बेल्डन बनाई है, इसमें गाय का पुराना गोबर और नीमखली और सेंड ये सब मिला के पहले ही गमला भर के रख दिया था, इसलिए कि उस समय पौधे नहीं लगा सकते थे, लेकिन सारी मिट्टी को सुखा के स्टरलाइज कर लिया और उसके बाद सब भर के रख लिया, तो बरसात में पौधे लगाने में आराम रहेंगे। देखिए अब ये हो गया, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मिट्टी वैसे भी एक मुख पानी है। ये फूल दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होता है, ये देखिए अभी 2-3 दिन में खिलने वाला है। तो अभी तो इसको हमने यहाँ पे सेमी सेडी एरिया में रखा है, पर इसको धूप बहुत पसंद है, कम से कम 4-5 घंटे का धूप तो चाहिए ही इसको। 4-5 दिन बाद हम इसको फिर धूप में ले जाएंगे और इसको या तो क्लिपर वायर लगाएंगे या हम टेरेस से नीचे लटका देंगे, तभी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर इसका अपडेट हम आपको दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कृपया ये प्लांट लगाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर भी कर दें।